इस वीडियो के सह प्रायोजक है डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज। प्रशासनिक कुछ सेवा मिल रही है क्या, सरकारों की तरफ से कुछ सेवा मिल रही है, ये सारी बातों पे नजर रखेंगे। ये बने रहिए हमारे इस खास एपिसोड में आप लोग। और देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कुछ यहाँ के बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर यहाँ जो पानी का जो बार बार दृश्य बढ़ता है, तो इसके बारे में सर, बूढ़ी गंडक भी अपने आप में बहुत बड़ा एक अभिशाप बन गया है। इसके वजह से बहुत सारी ट्रेन को रूट डाइवर्ट कर दी गई है, बहुत सारी ट्रेन को रद्द कर दिया गया है, और देख रहे हैं कि इस पूरे गांव में पानी घुस गया है। तो इससे लेके क्या क्या परेशानी हो रही है सर, क्या कुछ प्रशासनिक? अभी जो है ना, यहाँ पर धर्मपुर और पंजाबी कॉलोनी, ये दोनों में पानी का जो है जमावट सब सभी घर में घुस गया। जी जी जी। SDO साहब आए हुए थे, आपको बता रहे हैं, SDO साहब निरीक्षण किए हुए थे। यहाँ पर जो है 104 माने पंप दिए हैं, एगो बहुत बड़ा पंप भी दिए हैं, लेकिन एक बड़ा पंप जो है ना ला करके रखा हुआ है। जी जी। उसका जो है सुधार हो जाएगा, तैयो बहुत पानी निकल जाए। जी सर। इसलिए इतना ही पर ध्यान दीजिएगा, एगो बड़ा पंप आया है जी, वो बड़ा पंप जो है बिजली मिस्त्री के माने अभाव में वो जो है अपने जगह पर माने रखा हुआ है, लेकिन पानी नहीं खींच रहा। तो क्या सर कुछ सरकार की तरफ से भी मुहैया करा जाती है, या आम जो जनता यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनसे कुछ मदद मिलती है क्या? यहाँ पर कोई किसी को मदद नहीं, अभी तक नहीं। अभी तो पानी निकासी हो जाए यही ना बहुत बात है। मदद क्या होगा, पानी निकासी करवाने के बारे में इतना ही सोचिए। यहाँ के लोगों को तो वो मान लीजिए दिया था ट्रैक्टर, उससे बहुत पानी का समस्या का हल हुआ। जी जी। लेकिन फिर वर्षा होने के बाद वही रूप हो जाता है। जी जी। तो सर ये जो पानी बढ़ने की जो समस्या है, ये लगभग कितने सालों से चलती आ रही है सर? ये तो बीच में जो है ना, ये जो देखते ना ये लाइन। जी जी जी। तो पहले तो ये क्षेत्रफल था, तो इसमें पानी का जमाव हो जाता था। जी जी जी। तभी तो मान लीजिए रेलवे लाइन के कंपस में आ गया है। जी जी जी। तो इसका भी जो है सो यहाँ का भी पानी सब ठेलता है पश्चिम। अच्छा अच्छा। तो यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत बहुत यही बात है। इसलिए ये रोड जो है, ये रोड जो है सो समझिए बनना आवश्यक है, इसलिए नारकीय स्थिति में यहाँ के लोग रहते हैं। जी बहुत। पहला काम है ये रोड होना चाहिए। इस रोड से इसकी ऊंचाई हो जाएगी तो यहाँ के लोगों को बहुत कल्याण हो जाएगा। जी, एक तो ये बात हुआ। हाँ, उधर जो है सो समझिए जो एगो बड़का जो लगाया गया। सर आपका घर यहीं पड़ता है क्या? हाँ यहीं पड़ता है। तो सर आप लोग को तो बहुत समस्या होती होगी इस पानी के बढ़ाने। समस्या तो है। जी जी जी। ट्रेन भी बहुत कम चलती है। जी जी जी। बड़ी वाला पुल से निकल रहा है पानी। जी 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 जी। यही दो चार गो ट्रेन चलती है। जी 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 जी। तो एक डर का माहौल जरूर सर बना हुआ रहता होगा आप लोग के मन में। हाँ, डर का माहौल तो बना रहता है। जी जी। तो क्या आपका क्या संदेश रहेगा, सरकार से क्या अपील रहेगी या प्रशासन के क्या अपील रहेगी सर? क्या अपील रहेगी, ये अभी बढ़ी हुई पानी तो इसको तो कोई रोक नहीं सकता। जी 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 जी। अब नया पुल से पानी निकल रहा, मैंने ट्रेन चल रही। जी जी जी। पुरानी वाला पुल तो बंद है। जी सर। तो इसको बचाओ इसको रोकने के लिए या फिर बचाव के लिए कुछ तो अपील होगी जो सरकार कुछ मुहैया करवा दे, ताकि जो घर डूबा पड़ा हुआ है उनको कुछ मदद हो पाए। इसका कोई मुहैया नहीं कराती। जी जी जी। और घर जो डूबा पड़ा हुआ है उसका कुछ सर? उसका कुछ नहीं हो रहा है। जी सर। तो क्या उसके लिए कुछ अपील कीजिएगा सरकार से? हम क्या कर सकते हैं, सरकारें करेगी। जी जी। जो करना होगा सो जो डूबा हुआ है सो बांध पर अपना निवास कर रहा है, उनको कुछ मदद करना चाहिए प्रशासन। हाँ, सरकार को करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ महिलाओं भी हैं, उनसे भी जानेंगे वो क्या कहते हैं इस बढ़ रही पानी को लेके, क्या कहना होगा इन महिलाओं के लिए, जानेंगे उनसे। जी नमस्कार। नमस्कार। ये जो पानी बढ़ रही है इससे क्या परेशानी हो रही है आप लोग को? घर में पानी घुसा हुआ है, बच्चे लोग है सब पानी में हिलता है जाता है, तबीयत खराब हो जाता है। गंदगी वाला पानी है नाली मोड़ी के, हम लोग के रोड नीचा हो गया, ये भर गया तो पानी कहाँ जाएगा? जी जी जी। सर सब पानी घरे में रहता है और कुछ मदद नहीं आता है प्रशासनिक, कुछ मदद या कुछ जनप्रतिनिधि से? कुछ नहीं किधरों से कुछ नहीं, मदद नहीं हम लोग को। तो आप लोग फिर किसी तरह रेल के पटरियों पे बैठ के गुजर बसर करते हैं? रेल के पटरी पर बच्चे लोग के लेकर बैठे हुए रहते हैं, उसे होता है तो अपना हेल के घर जाते हैं, फिर हेल के घर बाहर आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बना हुआ रहता है कि बच्चे कहीं पानी में चले जाएंगे। वो तो डर हमेशा रहता है जब बच्चे लोग को पानी में न चल जाए, गिर जाए, कुछ हो जाए, कि डर बना रहता है। तो क्या अपील रहेगी सरकार से या फिर आम जनप्रतिनिधि से? कि सर सरकार तरफ से ना आम जनता कुछ हम लोग की मदद नहीं होता। तो क्या उनसे मांग रहेगी आपका? क्या ये रोड ऊंचा करा दीजिए, घर नाली मोड़ी हम लोग को बना दीजिए, और सर क्या कहेंगे हम लोग। यहाँ पर कितने आवास होंगे, कितने लोग यहाँ पे संख्या होंगी लगभग? यहाँ तो बहुत पूरा 10,000 सारे लोग को ये परेशानी। हाँ, बहुत परेशानी है।
तो ये आप सुन रहे थे, ये जो पानी बढ़ने की जो समस्या है इसको लेके कहीं ना कहीं बच्चे को लेके एक डरा सा माहौल बना रहता है। वो लोग रेल की पटरियों पे रह के किसी तरह जीव उपार्जन कर रहे हैं, किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये स्थिति है, इन लोग का मांग है सरकार से जो कम से कम ये रोड बना दिया जाए ताकि हम लोग किसी तरह अपने घर में रह सके और दो रोटी का अनाज खा सके। तो ये घर में वहाँ तक पानी, घर में आंगन में इतना पानी है, बच्चे लोग तो काफी स्थिति भयावह है। तो इस पे सरकार को नजर देना चाहिए। मैं चैनल के माध्यम से ये चीज खास करके कहना चाहूंगा। तो ये स्थिति है बूढ़ी गंडक के आसपास धर्मपुर गांव की, एक भयावह दृश्य है। यहाँ के लोगों का जो रहना है और काफ़ी सवार हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ के जो घर आवास जो भी हैं वो डूबे पड़े हुए हैं और सब के सब घर छोड़ के बंधा के पास खड़े हैं, किसी तरह अपना जीवोपार्जन कर रहे हैं, किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये सब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह समस्तीपुर के बूढ़ी गंडक का एक भयावह दृश्य है। सभी लोग अपने अपने घर को छोड़ के और बंधे के पास अपना झुग्गी झोपड़ी बना के आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे कपड़ों टांग के किसी तरह अपना जीवोपार्जन कर रहे हैं, किसी तरह रह रहे हैं। काफ़ी एक भयावह स्थिति यहाँ के आम जनताओं के लिए है, यहाँ के आदमियों के लिए एक भयावह स्थिति बनी हुई है। देख सकते हैं यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के लोगों को। देख सकते हैं अपना घर छोड़ के ये लोग अपना झुग्गी झोपड़ी बना के किसी तरह बंधे के पास रह के अपना किसी तरह गुजर बसर एक तरह से कही जाए तो कर रहे हैं। यह दृश्य जो आपको दिखा रहे हैं हम, यह समस्तीपुर के बूढ़ी गंडक का दृश्य है जो बाढ़ के पानी को बढ़ जाने से ये सारी समस्याएँ हो रही है। देख सकते हैं कपड़े टांग के यहाँ के लोग रह रहे हैं, किसी तरह अपने बच्चे को अपने परिवार को जिला रहे हैं, किसी तरह से अपना परवरिश से कर रहे हैं बच्चों का। देख सकते हैं यह जो पानी का रफ्तार है काफ़ी तेज़ हो चुका है और यहाँ के लोग काफ़ी मायूसी छाई हुई है काफ़ी लोगों में। उन लोगों को एक डरा सा बना हुआ है, यहाँ का भयावह स्थिति जो है डरा हुआ माहौल है यहाँ के लोगों के लिए। तो काफ़ी यहाँ के लोग देख सकते हैं आप किसी तरह, ये जो समस्तीपुर का बूढ़ी गंडक है यहाँ पर पानी कितने दिनों से सर बढ़ा हुआ है सर? समझिए तो ये पानी एक महीना से बढ़ा हुआ है। जी जी जी, जब से बरसात हो रही है तब से, मानसून जब से आया है ना तब से बारिश बढ़ती ही जा रही है, लगातार ही बढ़ी जा रही है। मानसून की वजह से सर हो रही है? मानसून की वजह से हो रही है। यहाँ के लोगों को बहुत सारी परेशानी झेलना पड़ रहा है। घर देख रहे हैं घर सब डूबा हुआ है, लोग कहीं जा नहीं पा रहे, कहीं निकल, बहुत जीना यहाँ मुश्किल बना हुआ है। ट्रेन का जो परिचालन है वो कितने दिन से बाधित है सर? ट्रेन का लगभग 15 दिन से बंद है। बंद है लगभग 15 दिन से बंद है। तो सर क्या यहाँ के कुछ जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे क्या कुछ मदद मिल रही है जिनका घर डूबा हुआ? कोई मदद नहीं मिल रही है, कोई मदद नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, सब अपने घर में बैठे हुए हैं नेता लोग। जी जी जी, कोई नहीं देख रहे हैं, कोई बेचारा कोई कहाँ है, कोई कहाँ, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी जी, थैंक यू सर। हमारे दरभंगा जाने वाली रेल लाइन है तो इसका जो रेल परिचालन है काफ़ी दिनों से बंद है। इसकी तेज़ रफ्तार के वजह से ये पानी का जो रफ्तार है काफ़ी तेज़ है और यहाँ के देख सकते हैं आम आवाम कितना ग्रसित है। यहाँ बहुत सारे घर डूबे पड़े हुए हैं, बहुत से लोग यहाँ पे बगल में झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं। काफ़ी भयावह स्थिति है इस समस्तीपुर बूढ़ी गंडक की। देख सकते हैं काफ़ी पानी का जो रफ्तार है काफ़ी तेज़ रफ्तार है पानी का। जो सुरक्षा कही जाए तो एक सुरक्षा के तौर पे खड़े हैं कुछ पदाधिकारी हैं, तो उनसे मैं जानेंगे जो इनके जो अगले पदाधिकारी बड़े पदाधिकारी हैं क्या यहाँ की मुआयना करने के बाद उनका क्या बात है उनसे जानेंगे। सर क्या लग रही है स्थिति यहाँ, ट्रेन जो परिचालन बंद है तो? हमारे अधिकारी आए हुए हैं। जी जी, हम उनके इंस्पेक्शन में सहयोग करने के लिए यहाँ खड़े हैं। जी जी जी, इंस्पेक्शन किए हैं, आगे गए हैं, फिर आएंगे। जी जी, अब क्या करेंगे वो समझेंगे, स्थिति वो बताएंगे। हाँ सर, कितने दिन से ट्रेन परिचालन बंद है अभी? करीब एक सप्ताह से हो गया लगभग, एक्चुअली डेट याद नहीं है। तो इधर का जो भी ट्रेन इधर से रूट से जाता होगा सर तो उसको किसी रूट से डाइवर्ट किया होगा? जरूर जाती नहीं, आती है उधर से, दरभंगा से आती थी पहले। इधर जाती नहीं है ट्रेन? इधर जाती नहीं है अभी तो, ये लाइन बंद है। जी जी, इसको डाइवर्ट कर दिया गया होगा। अब वो एक नंबर लाइन जो अप लाइन है, जी जी, अभी अप लाइन कल आता है, ये डाउन लाइन है, डाउन लाइन बंद है, अप लाइन से गाड़ी चलती है। अप लाइन से गाड़ी अभी चल रही है। तो ये क्या लगता है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो बूढ़ी गंडक का पानी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो तेज़ी से बढ़ रहा है तो ये जो समस्याएं हैं कितने सालों से आ रही है आप लोग बता सकते हैं?
ये तो लंबे साल से आ रहा है, चूँकि नदी है, बाढ़ आना अनिवार्य है, इसलिए बाढ़ आ ही रहा है। जी जी जी। अब सरकार भी इसकी और माने निगरानी कर रहा है जी 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 लोगों के लिए। जी ठीक। तो यहाँ के आम आवामों को देख रहा हूँ कि घर डूबा हुआ पड़ा हुआ है, तो उन लोग कैसे रह रहे हैं सर? वो लोग तो माने जैसे तैसे अपने रह रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पर कोई सहायता नहीं मिल रहा है उन लोगों को। हाँ। तो क्या अपील रहेगा सर आपका? जी, इस हालत में तो पर जो लोग माने बांध पर बसे हुए हैं उन लोगों को तो कम से कम प्रशासनिक सहायता देना चाहिए। जी जी जी। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि रेल परिचालन, ये इस रूट से कौन से रूट की लाइन जाती है सर, रेल जाती है? रेल परिचालन तो पुरानी पुल जो थी वह बंद हो गई है जी जी। अब नई पुल से ही आवागमन शुरू हो रहा है। तो ये पानी बढ़ने की वजह से रेल परिचालन भी कुछ बाधित हुआ है क्या सर? हाँ, पानी बढ़ने से रेल परिचालन बाधित हुआ है जी। तो ट्रेन जाती है या फिर ट्रेन कम हो गई है? ट्रेन की संख्याएं कम हो गई है जी। जो नया पुल बना है उससे कुछ ट्रेन निकलती है? हाँ, उससे कुछ ट्रेन निकल रही है। और ट्रेनों की रूट डाइवर्ट कर दी गई है? जी हाँ जी जी। एक भयावह दृश्य है यहाँ के लोगों का जो रहना है, और काफ़ी दुश्वार हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ के जो घर आवास जो भी हैं वो डूबे पड़े हुए हैं, और सब के सब घर छोड़ के बंधा के पास खड़े हैं, किसी तरह अपना जीवोपार्जन कर रहे हैं, किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये सब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह समस्तीपुर के बूढ़ी गंडक का एक भयावह दृश्य है। सभी लोग अपने अपने घर को छोड़ के और बंधे के पास अपना झुग्गी झोपड़ी बना के, आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे कपड़ों टांग के किसी तरह अपना जीवोपार्जन कर रहे हैं, किसी तरह रह रहे हैं। काफ़ी एक भयावह स्थिति यहाँ के आम जनताओं के लिए है, यहाँ के आदमियों के लिए एक भयावह स्थिति बनी हुई है। देख सकते हैं यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के लोगों को। देख सकते हैं अपना घर छोड़ के ये लोग अपना झुग्गी झोपड़ी बना के किसी तरह बंधे के पास रह के अपना किसी तरह गुजर बसर एक तरह से कही जाए तो कर रहे हैं। यह दृश्य जो आपको दिखा रहे हैं हम, यह समस्तीपुर के बूढ़ी गंडक का दृश्य है, जो बाढ़ के पानी को बढ़ जाने से ये सारी समस्याएँ हो रही है। देख सकते हैं कपड़े टांग के यहाँ के लोग रह रहे हैं, किसी तरह अपने बच्चे को अपने परिवार को जिला रहे हैं, किसी तरह से अपना परवरिश कर रहे हैं बच्चों का। देख सकते हैं यह जो पानी का रफ्तार है काफ़ी तेज हो चुका है, और यहाँ के लोग काफ़ी मायूसी छाई हुई है काफ़ी लोगों में। उन लोगों को एक डरा सा बना हुआ है, यहाँ का भयावह स्थिति जो है, डरा हुआ माहौल है यहाँ के लोगों के लिए। तो काफ़ी यहाँ के लोग देख सकते हैं आप किसी तरह अपना अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो यही कहानी है समस्तीपुर बूढ़ी गंडक की, जो कि आपको हम इस केवी स्टूडियो के खास एपिसोड में, आज का यह मेरा खास एपिसोड बूढ़ी गंडक का है, वो देख सकते हैं आप लोग केवी स्टूडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। जो केवी स्टूडियो का चैनल है उसके माध्यम से आपको समस्तीपुर के जो